दोस्तों दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि दोस्तों कल मैंने जो वीडियो बनाया था गूगल एडसेंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के ऊपर, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 24 घंटे के अंदर इसका सोल्यूशन लेकर आऊंगा, और उस वीडियो के बाद दोस्तों गूगल ने इस प्रॉब्लम को भी सही कर दिया। अब आप गूगल एडसेंस में दोस्तों बहुत ही आसानी से यूएस टैक्स फॉर्म ही कर पाएंगे। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर घंटा दबा लीजिए। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है देव सहानी और आपका स्वागत है टेक्नो गुरुदेव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको लाइव यूएस टैक्स फॉर्म फिल कर दिखाऊंगा, वो भी बहुत ही लेटेस्ट तरीके से। अभी तक दोस्तों आप जो भी वीडियो देखकर फिल कर रहे थे वो काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन इस वीडियो में लेटेस्ट तरीके से मैं आपको एडसेंस में यूएस टैक्स फॉर्म स्टेप बाय स्टेप सभी स्टेप को कंप्लीट कर दिखाऊंगा और अप्रूव भी कर दिखाऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपको यूट्यूब और गूगल एडसेंस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट टेक्नो गुरुदेव को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, फेक चैनल से सावधान रहेगा, फेक इंस्टाग्राम अकाउंट से सावधान रहेगा। हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई सोशल मीडिया से ही हमें फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और मेरा जो हैंडल है वो याद रखिएगा, टेक्नो गुरुदेव, और मैं कमेंट में कभी भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए व्हाट्सअप नंबर आपका नहीं मांगता। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। तो दोस्तों चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे चलता हूं, और वहां पर मैं आपको गूगल एडसेंस में यूएस टैक्स फॉर्म कैसे फिल करना है वो स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। तो दोस्तों यहां पर एक गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन है, इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट किया था, और फाइनली जो है मैं इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं हमको ऊपर ही नोटिफिकेशन दिख रहा है मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन का। हम यहां पर क्लिक करेंगे दोस्तों, और यहां पर जो है हमको जो है टैक्स फॉर्म फिल करने के लिए पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर एड टैक्स इन्फॉर्मेशन का बटन आ चुका है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं, यूनाइटेड स्टेट में आप देख सकते हैं नो टैक्स इन्फॉर्मेशन ऑन फाइल, अभी तक कोई भी टैक्स इन्फॉर्मेशन यहां पर फाइल नहीं किया गया है। तो हम यहां पर एक नया टैक्स फाइल करेंगे, ठीक है। तो हम एड टैक्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन पर पेज ओपन होगा, और आपको यहां पर स्टार्ट फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। स्टार्ट फॉर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपसे आपके एडसेंस के जीमेल का पासवर्ड पूछेगा, तो यहां पर पासवर्ड डालकर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर आपको यूएस टैक्स फॉर्म फिल करने का पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फॉर्मेशन, और यहां पर आप किस टाइप के अकाउंट के लिए जो है फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो हम इंडिविजुअल एडसेंस अकाउंट टाइप के लिए जो है फॉर्म फिल कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और आप यहां पर देख सकते हैं हमसे पूछा जा रहा है आर यू अ सिटीजन और रेजिडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। अगर आप यूनाइटेड स्टेट के निवासी हैं तो आप एस कीजिएगा, यहां तो मैं नो करूंगा क्योंकि मैं इंडिया से बिलोंग कर रहा हूं और ये फॉर्म इंडिया से फिल कर रहा हूं। नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर सिलेक्ट WH टैक्स फॉर्म टाइप। दोस्तों यहां पर आपको मैं बता देना चाहता हूं कि नॉन यूएस इंडिविजुअल के लिए WH बेन फॉर्म को सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम इस फॉर्म को सिलेक्ट करके स्टार्ट WH बेन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने यूएस टैक्स फॉर्म फिल करने का स्टेप आ जाएगा, जैसे कि इसमें बहुत सारे स्टेप आते हैं और वही स्टेप मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कर दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं स्टेप वन आ चुका है टैक्स आइडेंटिटी का। तो यहां पर आपका नेम एडसेंस से ऑटोमेटिक कैच कर लेगा, और उसके बाद दोस्तों यहां पर नीचे आना है और आपको यहां पर अपना कंट्री सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी कंट्री दोस्तों वो सिलेक्ट कर लेंगे आप यहां पर। तो मैं अपना प्यारा भारत यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। आप भी जो है अपनी जो भी कंट्री है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर नीचे दो बॉक्स है जहां पर फॉरेंटीन, यहां पर फॉरेंटीन डालना बहुत ही जरूरी है अगर आप यूएस के बाहर से जो है अपना यूएस टैक्स फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो चलिए हम यहां पर फॉरेंटीन, इंडिया में पैन कार्ड नंबर यूज होता है टैक्स पे करने के लिए, तो हम यहां पर अपना पैन कार्ड नंबर लगाएंगे। दोस्तों यहां पर जिसके नेम से गूगल एडसेंस अकाउंट है उसी का पैन कार्ड आप यूज कीजिएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, वरना आपको फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आएगी और आपका टैक्स भी जो है उस व्यक्ति के ऊपर लगने लगेगा। दोस्तों पैन नंबर डालने के बाद हम यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यही वो मेन पेज है जहां पर प्रॉब्लम आ रही थी, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, आप देख लीजिए। सबसे पहले हम इस बॉक्स को क्लिक कर देंगे, और यहां पर कंट्री हमारी सिलेक्ट है पहले से ही, और यहां पर स्टेट एड्रेस पर क्लिक करेंगे। जो भी गूगल एडसेंस में एड्रेस फिल कर रखा है हमने वो एड्रेस यहां पर आएगा, हम यहां पर क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिक सारे बॉक्स यहां पर फिल हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से आपको एड्रेस फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मेलिंग एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस, अगर आपका मेलिंग एड्रेस भी वही एड्रेस है तो आपको इस बॉक्स को चेक कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है।
दोस्तों यही बटन वो काम नहीं कर रही थी, अब काम करने लगी है। आप देख लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। तो दोस्तों काफी लंबा इंतजार करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप 3 आ चुका है, टेक्स्ट ट्रीटी वाला, मतलब कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब आप अपने यूएसएक्स फॉर्म को बहुत ही आसानी से फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया एंड द यूएस हैव अ टैक्स ट्रीटी, और यहाँ पर दोस्तों आर यू क्लेमिंग अ रिड्यूस्ड रेट ऑफ विथ होल्डिंग अंडर अ टैक्स ट्रीटी, तो हम इसको एस करेंगे क्योंकि हमारा कंट्री जो है यूएस के साथ टैक्स ट्रीटी है। उसके बाद दोस्तों हम इस बॉक्स को चेक करेंगे और कंट्री में हम अपने फिर से प्यारे भारत को सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से अपने इंडिया को सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्पेशल रेट्स एंड कंडीशन का ऑप्शन आएगा जो कि आपको बहुत ही सावधानी से फिल करना है। अगर आप इस पेज को सही से फिल नहीं करेंगे तो आपका टैक्स ज़्यादा कट सकता है, जो यूएस से आपके व्यूज आते हैं वहाँ से जो अर्निंग होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम सर्विसेज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दो तरह के बॉक्स आएंगे। सबसे पहले बॉक्स को क्लिक करेंगे आर्टिकल एंड पैराग्राफ वाले को, तो यहाँ पर आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1 को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों विथ होल्डिंग रेट है इसको भी क्लिक करेंगे और 0% रिड्यूस्ड ट्रीटी रेट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, इस बॉक्स को चेक करेंगे। फिर से दोस्तों यहाँ पर अगला ऑप्शन है मोशन पिक्चर एंड टीवी रॉयल्टीज का, इसको चेक करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों आर्टिकल एंड पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करके आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2A(2) को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों विथ होल्डिंग रेट को क्लिक करेंगे और यहाँ पर 15% हम रिड्यूस्ड ट्रीटी रेट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस बॉक्स को चेक करना है, और उसके बाद दोस्तों तीसरा ऑप्शन यहाँ पर अदर कॉपीराइट रॉयल्टीज, यहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे और आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2A(2) को सिलेक्ट कर लेंगे। विथ होल्डिंग रेट में दोस्तों 15% को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों इस बॉक्स को चेक कर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म का अगला स्टेप आ जाएगा। तो दोस्तों अब हमारे पास स्टेप 4 आ चुका है, एक्टिविटीज एंड सर्विसेज परफॉर्म्ड इन यूएस, तो हम इसको नो करेंगे क्योंकि हमारी कोई भी सर्विसेज यूएस में नहीं चल रही है। तो हम इसको आई क्लेरिफाई के ऊपर क्लिक कर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप 5 आ चुका है टैक्स रिपोर्टिंग का। दोस्तों ये रिकमेंडेड रहता है गो पेपरलेस, आपको यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करना है, केवल आपको आई एक्सेप्ट को चेक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों स्टेप 6 आ गया है डॉक्यूमेंट प्रीव्यू का। आपने अभी तक जितनी भी इन्फॉर्मेशन यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म में फिल किया है उसका PDF आप यहां पर ओपन कर चेक कर सकते हैं एक एक करके, और यहां पर भी इसका प्रीव्यू पूरा दिया गया है, आप इसको ओपन कर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर आई कन्फर्म दैट के ऊपर चेक करना है और नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 7वां स्टेप आ चुका है सर्टिफाई एंड साइन का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टैक्स फॉर्म सर्टिफिकेशन को आपको चेक कर देना है। चेक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अनचेंज्ड स्टेटस एफिडेविट का, आपको इस बॉक्स को चेक कर देना है। चेक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे ईयर और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको साल इसलिए डालने का बॉक्स मिल रहा है क्योंकि आपको प्रमाणित करवाना है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन यूएस टैक्स फॉर्म में फिल की जा रही है वो इस साल से बदली नहीं गई है, वो पूर्णतः सत्य है, और आप अगर इसमें कोई चेंज किए हैं तो इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। तो दोस्तों जिस साल से आपको लग रहा है कि आपकी इन्फॉर्मेशन बदली नहीं गई है डॉक्यूमेंट्स में, वो ईयर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर प्रेजेंट ईयर डालने वाला हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटर ईयर फ्रॉम 2016 टू प्रेजेंट, 2016 से आप प्रेजेंट टाइम को कोई भी ईयर आप यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उस साल से डॉक्यूमेंट में अपडेट ना हुई हो, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ईयर डालने के बाद दोस्तों हम नीचे आएंगे और यहाँ पर दोस्तों आर यू द पर्सन नेम्ड इन द टेक्स्ट आइडेंटिटी सेक्शन, हम यहाँ पर एस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला ऑप्शन आ जाएगा सबमिट का, बस यहाँ पर हमको फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो दोस्तों फॉर्म को जैसे ही मैंने सबमिट किया और ये फॉर्म अप्रूव हो चुका है, मतलब दोस्तों मैंने अपने गूगल एडसेंस में यूएस टैक्स फॉर्म को सही फिल कर दिया है और ये अप्रूव्ड हो चुका है। और इस तरीके से आप भी अब अपने गूगल एडसेंस में यूएस टैक्स फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यार टेक्नो गुरुदेव को इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, और हाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए सोशल मीडिया लिंक से ही फॉलो करेंगे तो रियल ओरिजिनल अकाउंट पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेक अकाउंट बन रहे हैं टेक्नो गुरुदेव के नेम से, तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा दबा लीजिए,
आपको ऐसे ही YouTube से रिलेटेड, AdSense से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड गुड बाय।